एम एस रसोई ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, स्वागत है, वेलकम है, स्वागत है। आज मेरी अम्मी ने बनाई कारण मेथी भाजी। सलामुअलैकुम। आज मेरी अम्मी बनाई चिकन मेथी भाई। ये चिकन मैंने उबाल ली हूँ, इसमें हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट और एक छोटा सा कांदा काट के इसमें डाल के इसको अच्छे से उबाल ली हूँ। ये गल गया है, अब इसमें के 5-6 टुकड़े लेके मैं मिक्सर के बर्तन में पीसूंगी। ये मैंने चिकन को देखो दरदरा मोटा मोटा पीस ली, कितना अच्छा लच्छेदार चिकन हुआ है ये देखिए। ये निकाली मैंने मिक्सर के जार में से चिकन, पिसा हुआ चिकन, जिसमें तेल डालूंगी मैं। ये 2 बड़े चम्मच तेल है, तेल को अच्छे से कड़क गरम होने दे। गैस भी मैंने चालू कर दी। तेल अच्छा गरम होने के बाद इसमें से मैं 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट लूँगी, जो कि मैंने मोटा मोटा पीस ली थी। ये ज़्यादा तेज़ वाली मिर्ची नहीं है, और इसमें भी नमक है और गोश्त उबालने में भी मैंने नमक डाली थी। तो भाजी पकते समय हमें ध्यान देना है कि नमक थोड़ा कम ही डालें अपने स्वाद के हिसाब से। बाकी का पेस्ट मैं दूसरी चीज़ों में यूज़ करूँगा, जब भी दूसरी भाजी तरकारी कुछ बनाऊँगी तब ये मुझे यूजिंग में आएंगी, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ये पेस्ट नमक, मिर्ची और लहसुन का है पीसा हुआ। मिर्ची को एकदम सिर्फ 2 मिनट ही पकने देना है बस, इसका कच्चापन हट जाए। ये एक टमाटर था, ये इसमें मैंने डाल दी। टमाटर को अच्छे से गलने देना है 2-3 मिनट तक। टमाटर अब हमारे अच्छे से एकदम गल चुके हैं, इसे चलाते हुए पकाना है टमाटरों को। इसे देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए। अब इसमें डालेंगे हमें कूटा हुआ मतलब पीसा हुआ चिकन, इसे भी अच्छे से हिला दीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में चिकन का ठेसा भी बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए इसे भी सिर्फ 1-2 मिनट ही भूनना है, क्योंकि इसे हमने पहले से ही चिकन को गला कर पीसा हुआ है। से एक बार मेथी की भाजी बनाकर देखिए, बहुत अच्छी बनती है। गेहूँ की रोटी या फिर ज्वार की रोटी के साथ भी से खा सकते हैं। 2 मिनट के बाद देखिए हमारा चिकन, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट वगैरह अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम डालेंगे मेथी की भाजी। पानी में से अच्छे से निकाल कर मेथी की भाजी को एकदम खुली खुली करके इसे कढ़ाई में डालिए और गैस को बड़ा कर दीजिए। अब ये भाजी ऊपर एकदम, तो इसे हिलाने नहीं आएगा, तो ये थोड़ा अपने आप पकते पकते नीचे कढ़ाई में एकदम नीचे हल्की सी बैठ जाएंगी, उसके बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे।
मेथी की भाजी भी हल्की सी नीचे बढ़ गई एक दो मिनट के बाद। अब हमें ऐसे अच्छे से हिलाना है, ये देखिए। देखिए अच्छे से बढ़ गई नीचे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इतनी कढ़ाई भरी हुई थी मेथी की भाजी से, पक के ही अपने आप नीचे बढ़ जाती है। ये गावरान मेथी की भाजी थी, खाने में बहुत अच्छी लगती है, छोटे पत्ते वाली मेथी की भाजी है। उसका पानी सूखने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और याद रहे कि हमें नमक बस ज़रा सा डालना है, क्योंकि हमने गलाते समय भी गोश्त में नमक डाला था और मिर्ची में भी नमक था, इसलिए स्वाद के हिसाब से ही नमक डालिए। इसे ऐसे ही पानी सूखने तक पकने दें और चलाते हुए इसे पकाते जाइए। एक गैस पे मेरी भाजी बन रही है और इसे पानी ज़रा सूख गया है ना, हल्का सा सूख जाने के बाद इसे गैस पे बारीक करके पकने दें। अभी मैंने ली पानी आटा गूंदने के लिए, भाजी और रोटी बना रही हूँ मैं, गेहूँ की रोटी, जिसमें मैंने ज़रा सा नमक डाली हूँ और मैं अभी आटा गूंद रही हूँ। मैंने आटा छान ली हूँ, इसे गूंदना है। आटा छानने तक मेरी भाजी अच्छे से बन चुकी है, मैं गैस को बंद कर दी। आटा गूंदने का काम करूँगी अभी, क्योंकि रोटी भी बनाना है मुझे अभी। इस तरह से मैं सारा आटा गूंद लूँगी। आपके जो घर में जितने लोग हैं आप उनके हिसाब से गूंद लीजिए, क्योंकि आज मैंने दूसरा कुछ नहीं बनाई हूँ, भाजी रोटी ही है, तो इसलिए मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा गूंदी हूँ। आज हम भाजी रोटी ही खाएंगे। आटे में लाइट गई, देखिए सारा अंधेरा अंधेरा हो गया, लाइट गई है मेरे घर की, आ गई लाइट। लाइट गई थी तो मैंने इतना आटा ऐसे गूंद ली थी, अभी ऐसे खाली हाथ इसमें डिप करना है पानी में और इस तरह से आटे को अच्छे से गूंद लेना है। ऐसे डिप करो, ऐसे गूंदो। चारों तरफ से अच्छे से ऐसे गूंदना है, फिर पलटना है, फिर गूंदना है। आटा मैंने गूंद ली हूँ और जितनी बार इस तरह से पानी का हाथ लेकर गूंदेंगे आटा उतना ही नरम होगा। और इसे मैं 10 से 15 मिनट तक ऐसे ढककर रख दूंगी। और आटा देखिए कितना नरम हो गया है, इसे उंगली की मदद से देखिए नरम हो गया आटा। अब इसे 10-15 मिनट तक मैं ऐसे ढककर रख दूंगी, उसके बाद में रोटी बनाऊंगी। ये देखिए 15 मिनट हमारे हो गए और आटा भी एकदम अच्छे से नरम हो गया है। मैंने तेल ली, सूखा आटा ली, ये पोलपट बेलन और ये पैन, और पैन को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दी हूँ बारीक आंच पे, जब तक मैं तेल का हाथ ऐसे लेती हूँ और इसका एक छोटा सा गोला बनाती हूँ ऐसे। उसके बाद मैं
रोटी बेलूंगी। ये देखो ऐसे गोला बनाना है हमें। हाँ, फिर ऐसे बेलन की तरह गूंद देना है, बेलन से ऐसे आटे में लेना है और उसमें ऐसे उसमें रख देना है, फिर ऐसे करने का। फिर इसमें आज हम लोग बना रहे रोटी सब्जी। ऐसे तेल लगाना है ऊपर से और इसको तीन पल्लों में ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे, और इसको बेलना है। 41% मोबाइल हिला मत, मुझे भी स्पीड दिखा। एक दो रोटी हुए तक, दो रोटी ऐसे आटे की मदद से इसे ऐसे बेलना है एकदम आराम से धीरे धीरे। और ये आटा है, कैमरा हिला मत, बोल रहा मुझे। बंद हो गया, चालू हो गया, बंद चालू बंद चालू, गाना गा रहा मैं। बंद हो गया, चालू हो गया, ऐसे देखिए। ये रोटी हमारी तैयार हो गई, ये देखिए। और पैन भी हमारा गर्म हो चुका था, इस पर भी मैं थोड़ा सा ऐसे तेल डालूंगी। ये पकड़ मुझे वापस, रोटी उठा दे हाथ से, हिला मत कैमरा। देखिए ऐसे, ये ऐसे रोटी थी इसके ऊपर, इसको ऐसे एक पकड़ के ऐसे ये हाथ पे लेना है, फिर ऐसे लेना है, ऐसे ही तवा गर्म होने के बाद ऐसे डालना है। ऐसे ही सारी रोटियां मैं अभी बेल लूँगी। ये देखिए रोटी अच्छे से एक तरफ से पक गई है। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली रोटी बन रही है। दूसरी तरफ पलटने के बाद इस पे ऐसे तेल लगाना है। ये देखिए भाजी रोटी हमारी तैयार है। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे ज़रूर ज़रूर बढ़ाइए। और इस तरह की भाजी बनाकर आप खाइए ज़रूर, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी और लजीज लगती है। आप इसे कोई भी रोटी के साथ खा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।